नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। मैं आपका स्वागत करता हूं फ्री क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हमने एलिमेंट्री अलजेब्रा समाप्त कर दिया। यदि आपको वहां पे कुछ भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके कॉमेंट को ज़रूर लूँगा और वहां पर मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, प्लेलिस्ट को पूरा शुरू से क्लियर देखें। मेरा वादा आप लोगों से, आप एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके आओगे, एनटीपीसी में या ग्रुप डी में मैथ से रिलेटेड। शायद ही होगा कि एक से दो क्वेश्चन आपसे ना बने, नहीं तो मेरा वादा है कि 30 में 28 क्वेश्चन तो आप कम से कम परफेक्टली करके आओगे। मैं 30 में 30 का वादा नहीं करता, पर 30 में 28 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। यदि आपको कुछ प्रैक्टिस सेट चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, पर उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू कर दिया था, तो आज से हम वहाँ कंटिन्यू करते हैं आज लेक्चर को। तो पहले एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमें क्या दिया कि एक्स और वाई कोई दो एक्यूट एंगल है, जिसमें हमें एक और कंडीशन दी हुई है, वो ये है कि एक्स और वाई इनका जो समेशन है वो लेस देन 90 डिग्री है। एक्स और वाई जो एंगल होंगे उनका समेशन यदि करेंगे तो वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कोस 2y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है, ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया तो हमें बताना है कि टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है हमें क्वेश्चन में, आंसर ये करना है। तो यदि आप, मैं बताऊंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें बनाने की, नहीं तो इससे आपको परफेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया, जब पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने, इसी चीज़ को मैंने डिटेल में क्लियर किया था, डिटेल में इसमें बातें की थी। तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते, यदि नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर वीडियो को देखें, मेरे सॉल्यूशन को देखें मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हम कहते हैं कि साइन थीटा वन इक्वल टू कोस थीटा टू, या कह सकते हैं कि कोस थीटा वन इक्वल टू साइन थीटा टू, जब भी इस तरह के टर्म कंडीशन करते हैं, ये इम्प्लाइज क्या करता है कि थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी ये हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है, तो साइन थीटा वन इक्वल टू कोस थीटा टू होगा। यहाँ पर हमें क्या दिया, एंगल थीटा वन की जगह 2x माइनस 20 डिग्री और थीटा टू की जगह 2y प्लस 20 डिग्री, तो साइन थीटा वन इक्वल टू कोस थीटा टू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 2y प्लस 20 डिग्री, क्या कह सकते हैं ये। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस होगा ना, प्लस 90 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से 20 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं ऐसा, या यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, टेन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, तो टेन एक्स प्लस वाई की जगह 45 डिग्री इक्वल टू टेन 45 डिग्री वन। ठीक है, कितना सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ और टर्म जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ फॉर्मूले होंगे वो आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान में रखना। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ, यही कि हमने स्टार्ट किया था थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं जो हमें एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो हमें ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू वन, ये मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा, इसमें से कोई भी एक प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पर ये होता है, आपको याद रखना है क्लियर। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू वन। तीसरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा वन इक्वल टू कोस थीटा टू। चौथा फॉर्मूला होता है साइन थीटा वन इंटू कोस सेक थीटा टू इक्वल टू वन। एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इक्वल टू वन। एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा वन इंटू कोट थीटा वन इक्वल टू वन।
मतलब बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। आप एक तरह से इसको जितना डेरिवेशन निकालोगे इसका, जितना डेरिवेशन इसको, जितना लॉन्ग टर्म या कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या, बस चेंज करना, चेंज करके खेलते रहो आप क्वेश्चन के साथ, आपको अलग अलग नए नए फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें से एक सिंपल कोई भी एक आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला प्रूव करके दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसे हुआ। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है ये वाला। तो मेरा कंडीशन क्या था कि मेरे कंडीशन ये थे, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें दिया हुआ, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें दिया हुआ। तो हमें दिखाना क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू वन, ये तो दिखाना। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन इक्वल टू वन, ये कर सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे हमने कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन इक्वल टू वन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस वाले टर्म को देखते हैं। मैं हमें क्या मालूम है कि जब भी थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन की जगह क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा टू इक्वल टू वन। अब ये वाला बताया था सेकेंड लेक्चर में मैंने, कि जब भी हम 90 डिग्री बात करते हैं तो फॉर्म चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज हो जाएगी और थीटा का सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू वन, प्रूफ हो गया। सिंपली बस इसी तरह सारे के सारे प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। हमें दिया हुआ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, बताना है हमें कि टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा इक्वल टू वन दिया हुआ हमें, और कंडीशन क्या दिया हुआ कि थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप बताओ कि टेन थ्री थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने जैसा कि भी बताया था आपको, कुछ फॉर्मूले दिए थे, वहाँ पे क्या था, टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इक्वल टू वन कब होगा, जब थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सॉरी, ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें नहीं दिया हुआ। टेन फोर थीटा वन इक्वल टू वन दिया हुआ, तो मैं बताऊँ टेन थ्री थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि ये टेन थीटा वन प्लस इंटू टेन थीटा टू वन कब हो सकता है, जब हमें थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से टू थीटा प्लस फोर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या सिक्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 15 रख दिया, तो टेन थ्री इंटू 15 डिग्री इक्वल टू 10 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन ही तो होती है, क्लियर है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, कोस 5 थीटा इंटू कोट 4 थीटा इक्वल टू वन, ये कब हो सकता है, कोस 5 थीटा इंटू 4 थीटा वन इक्वल टू वन कब होगा। तो हमें बताना है यहाँ पे कि कोट 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें मालूम कि ये तभी हो सकता है जब 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 10 डिग्री आ गया, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, बता सकते हैं, कोट 10 इंटू 33 इक्वल टू कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 3, क्लियर है। ठीक है, एक और बढ़िया एग्जांपल करते हैं, मज़ा आ जाएगा, अब नए नए तरह के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। हमें दिया क्वेश्चन में, फास्ट करेंगे, कोट 37 डिग्री अपॉन में साइन 53 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आप ये बताओ। हम क्लियर जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस 37 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, कोई दिक्कत। तो कोस 37 डिग्री अपॉन में 90 है, जब भी 90 डिग्री होता तो हमारा क्या होता, फॉर्म चेंज हो जाता, तो साइन है 90 डिग्री तो कोस हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा, सेम का सेम हो जाएगा, तो कोस 37 डिग्री, ये कैंसिल आउट होंगे, वन से आ जाएगा। सिंपल मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले, मज़ेदार सेशन होने वाला, चलिए क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की लाइन लगा देना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। कोस 80 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री
कोसेक का कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो कोस 80 डिग्री ये तो मालूम चल गया पिछले वाले सेशन से, 1 हो जाएगा ठीक है, 1 प्लस कोस 59 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 31 डिग्री यानी 1 अपॉन साइन 31 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, 1 अपॉन यहाँ पे आएगा तब ये कोस 59 डिग्री अपॉन में साइन 31 डिग्री, ये क्या 1 ही तो है, इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज कर लेंगे इसे लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। एक अच्छा एग्जांपल और करते हैं, साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री, तो ये क्या होगा, 1 होगा, ये 1 होगा, कोस 60 डिग्री क्या होती है 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आंसर हो गया हमारा, क्लियर, कोई दिक्कत मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। अब आगे के नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करते हैं, जोरदार शानदार सेशन होने वाला है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो को, बहुत मज़ेदार वीडियो बनने वाला है, बहुत मज़ेदार लेक्चर होगा वो।